आप सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ विक्रम एन बैताल की कहानी का सेशन। और आज हमारे इस वीडियो में आप इस शीर्षक के चौथी कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी का मुख्य शीर्षक है पुण्य किसका। आइए कहानी के माध्यम से जानते हैं कि पुण्य किसका, कहानी में जो जो पात्र दिए गए हैं इन सबको एक विशेष रूप में उल्लिखित किया गया है। कहानी शुरू की जाती है। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ, आखिर चार जने इतने धन का क्या करेंगे। फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर हर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता, उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के दो हिस्से करके एक मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को दे देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता, उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता और अपने आप खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को ज़रूरत होती वह हाजिर रहता। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहाँ से चल दिया। मरघट में जाकर देखता है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट करके रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की नहीं निकलती। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊँगी और राजा दुखी होकर एक महीने में मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में एक योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 वर्ष तक बेखटके राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा से दूसरे स्वामी का काम, तीसरा यह देह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी, आप जल्दी करें। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान चारों जने देवी के मंदिर में पहुँचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ, मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खांड मारा कि लड़के का सिर धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूँगा, उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहाँ आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए चार प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस की प्रसन्नता करती हूँ, तो जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा, देवी तुम प्रसन्न हो तो इन चारों को जिला दो। देवी ने अमृत छिड़ककर उन चारों को फिर से जिला दिया। अब आगे की बात यह है, इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका? राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ देना, जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। यह सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँचा और उसे फिर पकड़ कर लाया। तो बेताल ने यह चौथी कहानी कही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसका ठीक
अगला पार्ट जिसमें कि हम पांचवी कहानी को आपके सामने साझा